नाबालिग अंगुली का शो अनुपमा में इन दिनों कहानी टीटू और डिम्पी के इर्द गिर्द घूम रही है। जल्द ही दोनों की शादी होने वाली है और दोनों शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। हालांकि वनराज उनकी शादी में बिल्कुल खुश नहीं है और इस शादी को रोकने की कोशिश में लगा हुआ है। इस बीच शो में आध्या ने परी को स्टोर रूम में बंद कर दिया। आध्या परी से इनसिक्योर फील करती है। आध्या को लगता है कि सब उसी से प्यार करते हैं। जब अनुपमा को परी कहीं नहीं मिली तो वह परी को ढूंढती और बचाती है। अनुपमा को ये पता चल जाता है कि आध्या ने ये किया है तो वो जाकर आध्या से सवाल करती है और खूब डांटती है। वहीं वनराज आध्या और अनुपमा की बातचीत सुन लेता है और अनुपमा और आध्या पर गुस्सा करता है। वनराज जोर जोर से चिल्लाने लगता है। इसी के साथ वे अनुज को ताना मारता है कि उसने आध्या को अच्छी परवरिश नहीं दी है। अनुज को जब ये बात पता चलता है तो वह शॉक्ड हो जाता है। इसके बाद वनराज अनुपमा आध्या और अनुज को घर छोड़ने के लिए बोलता है। वनराज कहता है कि वो टीटू और डिम्पी की शादी अटेंड नहीं करेंगे। बता दें कि सालों बाद अनुपमा अनुज किंजल परी और आध्या घूमने गए थे। इस दौरान एक एक्सीडेंट में अनुपमा ने आध्या से पहले परी को बचाया। इसके बाद से ही आध्या अनुपमा से नाराज हो गई थी। इसके बाद ही अनुपमा और अनुज अलग हो गए थे। अब जब सभी सालों बाद मिले हैं तो आध्या का गुस्सा शांत नहीं हुआ। परी को देखकर उसे बहुत गुस्सा आया।